So hello all, I welcome you all here. So I hope you all are doing great there at your respective places and taking care of your family and yourself also. So guys, Akad this side, founder of the Indian Club, and I am helping people to get financially educated and financially independent. So today I am also here to help you and educate you about the new skill which I am learning, which I am working on. Okay. So before starting the meeting, हम introduction ले लेते हैं वाले आपकी, ठीक है? तो जल्दी से आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो चैट सेक्शन में, ठीक है? तो भाई जल्दी से अपनी चैट सेक्शन में इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है? ओके राहुल, राहुल फ्रॉम झारखंड, राइट? फ्रॉम राहुल फ्रॉम झारखंड, एंड व्हाट यू आर डूइंग ब्रो? स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एंड माही फ्रॉम रांची एंड एज अ स्टूडेंट, ओके ओके ग्रेट. Suhail from Mumbai, and brother you are doing job, right? Okay okay. And Vicky from bhai aapki jagah ka naam thoda sa ajeeb se, theek hai, sorry maaf karna. To aap affiliate marketing kar rahe ho, theek hai? To okay, देखो ज्यादातर लोग जो यहाँ से है ना वो है affiliate, मतलब लोग affiliate marketing कर रहे हैं, ठीक है? आप में से ज्यादातर लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे, कोई स्टूडेंट होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, राइट? पर सबका मेन गोल क्या है? एक ही चीज है जो है मनी. सबको क्या करना है? मनी अर्न करना है. इसलिए एक स्टूडेंट पढ़ रहा क्यों है? क्योंकि उसको मनी चाहिए, उसको एक जॉब चाहिए जिससे उसको मनी आ सके. सॉरी, सेकेंड जो पर्सन एक जॉब कर रहा है वो जॉब क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको मनी चाहिए, वो इसलिए जॉब कर रहा है, ठीक है? अगर वो रोज की 8 hours दे रहा है किसी काम में, क्यों? क्योंकि उसको पता भाई मनी आएगा, एक दिन मेरे को सैलरी आएगी. पर वो सैलरी कितने दिन आएगी? एक दिन. पूरे महीना सैलरी नहीं आती रहेगी, ठीक है? एक दिन सैलरी आएगी, ठीक है? उस पर्सन को पता है भाई मेरे को एक दिन सैलरी आएगी, मेरे को उसी से अपने महीने का खर्चा निकालना है, ठीक है? तो आज आप सबके सामने अगर मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दूं जिससे आप मंथली एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स की तरह या फुल टाइम भी करके $1000 पर मंथ अर्न कर लो, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा. अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज मैंने आपको दे दी जिससे आप स्किल सीख सको, वैल्यूएबल स्किल, ठीक है? जिस स्किल की वजह से आज कईयों की लाइफ चेंज हो गई है, जहां से सिस्टम से कई लोग मिलियनरी निकल चुके हैं, तो शायद आपको भी वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा. गाइस देखो, होता क्या गाइस कि दुनिया में ना चार तरह के लोग होते हैं, जो अपने ड्रीम्स के लिए ना उन तरीकों से, मतलब चार तरह के लोग होते हैं जो उन तरीकों से अपने ड्रीम ना अचीव करते हैं, अपने ड्रीम को अचीव करते हैं. पहले होते हैं जॉब वाले पर्सन, ठीक है? जो 8 घंटे किसी और के ड्रीम के लिए, शायद अपने उनको सैलरी मिलती है पर वो कर रहे किसी और के लिए वर्क होती है, किसी और के ड्रीम फुलफिल कर रहे होती है. पहली थिंग. सेकंड थिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड. इसका छोटा मोटा बिजनेस होता है, वो उसी से अपने ड्रीम फुलफिल कर रहा होता है. उसका ड्रीम भी फुलफिल नहीं हो रहा था, वो छोटे छोटे काम करके, मतलब काम करके मैं छोटे छोटे ड्रीम फुलफिल कर रहा होता है. थर्ड पर्सन होता है बिजनेस, बिजनेसमैन, जो अपने अंडर एम्प्लॉय रखता है, उसकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके थ्रू वो इतनी अच्छी खासी अर्निंग करता है, और मतलब उसके पास टाइम फ्रीडम, ठीक है, मनी फ्रीडम, सब कुछ होता है, ठीक है? जिसकी वजह से वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से. क्यों? क्योंकि उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, हर दिन पर पर्सन अगर 8 hours दे रहा है उसकी कंपनी में, 100% उसके लिए 800 hours, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है? तो आज आप भी उसी अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे साथ हो, इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, ठीक है? आप भी चाहते हो कि भाई हमारे लिए भी लोग काम करें 100 घंटा 200 घंटा रोज का, कैसे पॉसिबल होगा? जॉब से? बिल्कुल भी नहीं. सेल्फ एम्प्लॉयड? बिल्कुल भी नहीं. किससे होगा पॉसिबल? बिजनेस से, ठीक है? फोर्थ थिंग आती है, फोर्थ तरह के लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो फुल टाइम इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है? जो ट्रेडिंग करती हैं, उनके पास तो टाइम फ्रीडम सब कुछ होता है और वो अपने आराम से कंफर्ट जोन में अर्निंग कर रहे होते हैं, कैसे? ट्रेडिंग करके, ठीक है? वो होते हैं इन्वेस्टर. इन्वेस्टर ये नहीं बोलूंगा खाली ट्रेडिंग, वो रियल एस्टेट हो गया, किसी भी चीज में जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? एंड मेरे को बिजनेस और इन्वेस्टर सबसे अच्छा लगता है, और मुझे भी लगता है कि आपका भी सेम माइंडसेट है कि आपको एक इन्वेस्टर बनना और एक बिजनेसमैन बनना. आज आप तभी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हो, ठीक है? तो गाइस एक चीज बोलूंगा, या एक चीज पढ़ी थी मैंने कहीं पे कि जो पर्सन ड्रीम्स, जिस पर्सन के ड्रीम्स होते हैं ना, ठीक है, वही लाइफ में ना कुछ अचीव करता है. जिसके ड्रीम्स ही ना होते उसका लाइफ में कोई गोल नहीं होता. मतलब समझ लो, अ मैन विदाउट अ ड्रीम इज नथिंग, वो जीरो है. इसके ड्रीम नहीं ना, वो जीरो है पर्सन. अपने ड्रीम याद करो यार, अपने ड्रीम सोचो, जो आपके ड्रीम, आपके सपने जो आपको अचीव करनी है. क्या हो सकता है? आपको एक अच्छी बाइक चलानी है, अपनी ड्रीम बाइक चलानी है, हायाबुसा ले लो,
KTM ले लो, कुछ भी ले लो, किसी को अच्छी गाड़ी चलानी है, ठीक है, अच्छी गाड़ी में घूमना है, किसी को ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, अब्रोड घूमना है, बाहर जाना है, कैसे पॉसिबल होगा? जॉब से बिल्कुल भी नहीं। एक साल जॉब जॉब में एक दिन छुट्टी मिलेगी, दो दिन छुट्टी मिलेगी, वन वीक की छुट्टी मिलेगी, कितना घूम लोगे? ठीक है, टाइम फ्रीडम कहाँ पर होगा? बिजनेस में, इन्वेस्टर वाले जोन में। ठीक है, उसी चीज के लिए भाई अपने ड्रीम याद करना, अपने ड्रीम सोचते सोचते ना इस प्रेजेंटेशन को आज देखना पूरा एंड तक, और एंड में आपके लिए स्पेशल ऑफर्स रहेंगे, उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, आज आप प्रेजेंटेशन देखने वाले हो, जिस सिस्टम के बारे में जानने वाले हो ना, उस सिस्टम ने कई लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, ये आने वाला फ्यूचर है। फ्यूचर क्यों है गाइस? कि ये जो हमारी जो सिक्योरिटी है ना रिलेटेड टू हमारे मनी के, बिल्कुल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, पर ये जो फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर में इतने मिलियनरीज क्रिएट करने वाला है ना, ऑलरेडी कर चुका है बहुत ज्यादा मिलियनरीज, पर फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा मिलियनरीज क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली जंप इन करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस सिस्टम के बारे में आज हम बात करने आए हैं। और एक चीज याद रखना, क्या सोचते सोचते अपना आपने ये प्रेजेंटेशन देखनी है, अपने ड्रीम सोचते सोचते। ठीक है, शायद आज आपको मैं एक ऐसा रोड मैप दे दूंगा जिससे आपके ड्रीम्स अचीव हो सकते हैं। ठीक है, उस रोड मैप को आपको अच्छी तरह देखना है। ठीक है, उस रोड को आज मैं आपको रास्ता देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। अगर आपने उस रास्ते पे सीधे नहीं ना चले, ऐसे ऐसे चले ना, तो आपका ड्रीम अचीव नहीं होगा। ठीक है, उस रास्ते पे सीधे चलना, फुल फोकस के साथ देखना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, डायरेक्टली जंप इन करते हैं। ठीक है, तो गाइस आज हम जिसके लिए बात करने वाली हैं, उस सिस्टम का नाम है फोर्सेज। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर होंगे। क्यों? एक रीजन ये है, बिटकॉइन। हमारा जो बिटकॉइन है ना, उसकी वजह से आज के टाइम पे सब लोग अवेयर है कि क्रिप्टो करेंसी कुछ नई चीज है। क्योंकि अगर देखा जाए, 2 साल पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था जब बिटकॉइन बूम नहीं किया था। पर जो लास्ट 2 सालों में बिटकॉइन बूम किया ना, उसकी वजह से जो लोगों में अवेयर है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और जो सिस्टम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, इसका नाम फोर्सेज, वो बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर नहीं जानते हैं मैं आपको भी बताऊंगा, फर्स्ट थिंग क्रिप्टोकरेंसी, सेकंड थिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, क्रिप्टोकरेंसी हमारे पास क्यों होती है? क्रिप्टोकरेंसी वो चीज है, जैसे अपनी इंडियन करेंसी रहती है INR। ठीक है, बाहर की करेंसी है डॉलर, USD करेंसी, उस करेंसी को फिजिकली ना कहीं भी यूज कर सकती है। ठीक है, किसी शॉप पे जाकर कुछ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी के रूप में हम उसको मतलब यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग होती है हमारे पास क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी का वो करेंसी जो डिजिटलाइज्ड करेंसी, उसको हम फिजिकली यूज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में आई नहीं है, उसकी फिजिकल करेंसी नहीं है, वो डिजिटलाइज करेंसी है जो हम उसको डिजिटली यूज करके कुछ भी शॉपिंग परचेज कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्रिप्टोकरेंसी क्लियर हो गया होगा। सेकंड थिंग क्या आती है हमारे पास? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ये क्या चीज है सर जिसके बारे में आप हमें बताने वाले हो? ठीक है, आप ये सोचेंगे भाई हमें बताओ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या, जिसकी वजह से कई मिलियनरीज जनरेट हो चुके हैं ऑलरेडी और इन फ्यूचर होने वाले हैं। क्योंकि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसलिए आई थी क्योंकि हमारा जो बैंक रहता है, फर्स्टली आपको पता आजकल डिजिटलाइज पेमेंट्स आ चुकी है, मतलब गूगल पे, फोन पे वगैरह। ठीक है, उनमें क्या रहता है, कभी कभी हम जब पेमेंट कर रहे होते हैं ना, किसी को जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसमें मेनली क्या होता है कि एक पर्सन ना अराउंड, और एक पर्सन ना क्या होता है जब हम किसी को मतलब पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक चीज ये होती है कि पर्सन हमारा कोई बैंक में ना इशू आ जाता है, नेट का इशू आ जाता है फर्स्टली। ठीक है, जब नेट का इशू आता है ना, तो उसकी वजह से हमारी ट्रांजेक्शन हो नहीं पाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि शायद सर्वर में इशू होगा। सेकेंड थिंग, हमारा बैंक अकाउंट कभी कभी हैक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो बैंक है ना, वो हमें ये बता देता है कि भाई हमारा बैंक जो हम पर हमने पैसा सेव किया, वो सेव बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड थिंग ये, ठीक है, थर्ड थिंग ये आती है, हमारी बैंक में ना लिमिट होती है। क्यों होती है? कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा ना ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमारी एक लिमिट रहती है 20,000 पर डे, हम 20,000 ही पर डे निकाल सकते हैं, और ये भी शायद ट्रांजेक्शन लिमिट होती है कि 4 बारी या कितनी बारी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था बैंक की प्रॉब्लम। इसी को देख के 2008 में बिटकॉइन लॉन्च किया गया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। पर आपको पता है बिटकॉइन इतना मतलब तब था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था बिटकॉइन के बारे में। पता था, पर उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके कितना ज्यादा बूम करने वाला है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब 2018 बिटकॉइन हमारा बूम कर रहा है, तो उसी रेट जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी, इस बेस पे आई थी कि वो बैंक को ओवरकम करना चाहती थी, क्योंकि इन फ्यूचर ये होने वाला है सब।
ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है गाइस, देखो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। जैसे हमारा बैंक है ना, बैंक को पैसा देते हैं सेव करने के लिए, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपना पैसा हम खुद ही सेव रखते हैं, किसी को नहीं देते क्योंकि उसकी सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं कोई, पहली चीज ये। सेकंड थिंग, उसमें कोई ट्रांसफर की लिमिट नहीं, आप जितना पैसा चाहते हो उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी, किसी भी टाइम में, कोई लिमिट नहीं है। थर्ड थिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, थर्ड थिंग क्या होती है गाइस कि ना इसमें लाइक देखा जाए कि इसमें ये पूरा कहते हैं ना सिस्टम पूरा स्ट्रांग है, कनेक्टेड है, मतलब इसमें ऐसा एल्गोरिदम है कि जिसकी वजह से ना सिस्टम बिल्कुल भी हैक नहीं हो सकता। हैक क्यों हो सकता, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज करो तीन पर्सन है, राम श्याम एंड साहिल, राम श्याम साहिल है, तो ये तीनों ना डिनर कर रहे होते हैं यहीं इवनिंग में, रात को डिनर कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉरी इवनिंग बोल दिया मैंने, रात को डिनर कर रहे होती हैं, ठीक है। तो जब ये होटल में गए डिनर कर रहे होते हैं, जब इनका बिल आता है ना, क्रिप्टो करेंसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जब बिल आता है ना, ठीक है, जब ये बिल आता है तो क्या होता है कि साहिल बोलता है कि राम श्याम आप मेरे को कंट्रीब्यूट कर दो, आप मेरे को क्रिप्टो करेंसी सेंड कर दो तो मैं बिल दे देता हूँ, ठीक है, हो गया। तो राम साहिल को पहले क्रिप्टो करेंसी सेंड करता है, समझ लो बिटकॉइन, दो बिटकॉइन उसने सेंड किए, ठीक है, दो बिटकॉइन उसने सेंड किए साहिल को। तो जब उसने राम ने साहिल को दो बिटकॉइन सेंड किए ना, तो दोनों के पास ना एक ब्लॉक बन गए, वो ब्लॉक क्या, वो रिकॉर्ड है। एक चले गया हमारा साहिल के पास रिकॉर्ड कि राम ने मेरे को दो बिटकॉइन सेंड किए, एक रह गया राम के पास रिकॉर्ड कि मैंने उसको दो बिटकॉइन सेंड किए, ये चीज क्लियर। सेकंड, अब शाम करता है साहिल को शेयर सेंड करता है दो बिटकॉइन, ठीक है। जब शाम ने साहिल को दो बिटकॉइन सेंड किए, सेम साहिल के पास भी एक ब्लॉक बन गया रिकॉर्ड का, और उसके पास हमारा शाम के पास भी ब्लॉक का रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड बन गया। अभी जो तीनों पर्सन थे जिसने ट्रांजेक्शन की, जिसने बिटकॉइन सेंड किए साहिल को, तो उनके पास ना एक दूसरे के वो आ जाते हैं, रिकॉर्ड आ जाते हैं कि इसने कितने सेंड किए थे, इसके कितने बैलेंस पड़ा है, इसने कब ट्रांजेक्शन किए, सब कुछ, ठीक है। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। जहां पर पर्सन के आपको रिकॉर्ड पता चल रही है, ठीक है, जहां पर आपको पर्सन का ये पता चल रहा है ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, तो वहां पर हैक होने का कोई सवाल नहीं है। एक चीज इसमें ये होती है कि जब वो ब्लॉक तीन बन गया ना, वो तीनों ब्लॉक ना एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, पहले राम का ब्लॉक, फिर साहिल का, फिर शाम का ब्लॉक, तीनों का मतलब कनेक्टेड हो गया रिकॉर्ड। अब जब हैकर हैक करने आएगा ना, उसको पहले राम का भी हैक करना पड़ेगा, शाम का भी हैक करना पड़ेगा, फिर साहिल का भी हैक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको हैक करना ना इस सिस्टम को, तो उसको तीनों को हैक करना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल होगा। और आपको पता है पॉसिबल है ही नहीं कि तीनों के सिस्टम वो हैक कर पाए, ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएट करता है। और मैंने जो ट्रांसपेरेंट वाली शायद आपको बात समझ नहीं आई गाइस, इसमें होता कैसे, हमारे बैंक में एक फोल्डर नेम होता है, जिसके अकाउंट में, जैसे मेरे नाम पे अकाउंट है आकाश के नाम से, तो वहां पर अपना नेम होगा, मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये, और ये पर्सन होल्ड करता है। जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी रहता है ना, इसमें कोई होल्डर नेम ही नहीं होता, इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल सिक्योर है। अगर किसी पर्सन को पता ही नहीं होगा वो किसका अकाउंट है, वो क्यों हैक करेगा, वो कैसे हैक करेगा उस चीज को, जब वो लिंक्ड है दूसरे से, वो हैक नहीं हो सकते। आई होप गाइस आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि वो इतना सा कंसेप्ट, अगर कोई डाउट रहेगा ना आपको, आप अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये था क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं फोर्सेज के ऊपर, ठीक है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, तो इस सिस्टम में भी कोई, इस सिस्टम को कंट्रोल बनाना, कोई कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। इस सिस्टम का ऑनर है, इसने इसको क्रिएट किया है, पर अब वो ऑनर ना सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और सेकंड थिंग, इसमें सारा जो रिकॉर्ड है वो लिंक्ड रहता है, इसमें कोई मतलब चेंजेस आ ही नहीं सकती, ठीक है। एंड इसमें मेन थिंग ये आती है, आप जो भी अर्निंग करते हो ना सिस्टम से, वो अर्निंग डायरेक्टली आपके पास आती है, इसके ऑनर के पास ही जाती। क्यों? क्योंकि सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसमें ब्लॉक बनते जाते हैं, रिकॉर्ड बनते जाते हैं, और सारा जो मतलब मनी है वो आपके पास ही आएगा, किसी ऑनर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्सेज के ऊपर, ठीक है, फोर्सेज के ऊपर हम डायरेक्टली जंप इन करते हैं। देखो गाइस, फोर्सेज क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। फोर्सेज एक मार्केटिंग, फोर्सेज की जो मार्केटिंग है ना, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। फोर्सेज सिस्टम ही लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ना, आज जो हमारा अर्निंग क्राइटेरिया ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप एक डाउनलाइन क्रिएट करते हो आपको तभी इनकम आती है। फोर्सेज मार्केटिंग में आपकी टीम से भी इनकम आती है जो आप क्रिएट करते हो, आपके जो स्पॉन्सर होते हैं
वो जब अपनी टीम क्रिएट करते हैं उसके थ्रू भी इनकम आती है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड जो स्पॉन्सर की टीम काम करती है उसके थ्रू भी आपको इनकम आती है। ठीक है, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे भाई ये क्या बता रहे हो आप। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ, फोर्सेस मार्केटिंग है। ठीक है, फोर्सेस मार्केटिंग में हमारे पास चार प्रोग्राम्स है, X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। ठीक है, तो देखो ये सिस्टम वर्क कैसे करता है प्रोग्राम। आपको पता डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट वो चीज होती है, मतलब डायरेक्ट वो होता है कि हम जिसको अपने डाउन में डायरेक्ट लाते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी को रेफर किया, अपने थ्रू रेफर किया पर्सनली, होता है डायरेक्ट। तो इस प्रोग्राम में क्या होता है गाइस, जैसे आपको ये 3 स्लॉट दिख रहे होंगे, ठीक है, ये 3 स्लॉट, इसमें होता क्या है, ये आपके सारे डायरेक्ट आती है। जैसे यहाँ पर एक पर्सन ने ज्वाइन किया, इसने जितनी भी इनकम से ज्वाइन किया, जितने से भी रजिस्ट्रेशन की, वो सारी इनकम आपको आएगी, इसके भी इनकम आपको आएगी। एंड जो थर्ड पर्सन है, ये जो आपको ग्रीन साइन दिख रहा होगा, ग्रीन साइन क्यों है इसमें, ये रिसाइकल का साइन है। आपको पता है हम जब कोई प्लास्टिक की बॉटल पीते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसको फेंकते हैं तो वो रिसाइकल होकर वापस आती है। क्यों? ताकि उसका रीयूज हो सके, अनलिमिटेड उसका यूज होते रहे। वैसे इसमें रहता है, जब इसको रिसाइकल इसलिए, ये जब रिसाइकल होगा ना, जो बाकी यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट लगे थे ना, ये स्लॉट खाली हो जाएंगे, वो डायरेक्ट आपके उधर ही रहेंगे टीम में, पर ये स्लॉट खाली इसलिए होंगे ताकि आपकी जो अर्निंग है ना वो अनलिमिटेड हो सके और आप अनलिमिटेड टीम क्रिएट कर सको। ठीक है, आप बोल रहे होंगे भाई ये जो रिसाइकल है, यहाँ पर जो स्लॉट में पर्सन आएगा वो जाएगा कहाँ? भाई वो आपकी टीम में रहेगा। ठीक है, पर रिसाइकल होने पर जो इनकम आपको उसकी आनी थी ना, वो आपके अपलाइन को चले जाएगी, क्योंकि रिसाइकल होके इनकम आपके अपलाइन को जा रही है इस रीजन से, ताकि आपको स्लॉट ओपन हो सके। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम फोर्सेज X4 में चलते हैं। यहाँ पर जैसे 3 स्लॉट थे, वैसे यहाँ पर 6 स्लॉट है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था अनलिमिटेड इनकम आ सकती है इसमें से। ठीक है, कैसे आएगी इस सिस्टम में, क्या होगा फोर्सेज X4, XXX एंड X गोल्ड में, अगर आप किसी पर्सन को डायरेक्ट नहीं करते हो ना, आप तब भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी पर्सन को डायरेक्ट नहीं करते हो, आप तब भी इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे? वही स्पॉन्सर की टीम क्रिएट होगी, आपकी टीम क्रिएट होगी उसके थ्रू। ठीक है, तो आप बोल रहे हो ब्रदर ये एरो क्या है, हमको बता दो, थोड़ा क्लियर कर दो। भाई ये एरो, ये यहाँ पर आपकी टीम आ सकती है। जैसे आप अपने डायरेक्ट को लाते हो, तो डायरेक्ट जब यहाँ पर लगेंगे ना, यहाँ पर जैसे एक डायरेक्ट आ गया, उसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, जब वो इनकम आपके अपलाइन को नहीं, सॉरी, स्पॉन्सर को चली जाएगी। ठीक है, वन टाइम जाएगी जब वो ज्वाइन होंगे, पर जो उसके बाद जो टीम आपकी जो दोनों ही है पर्सन, ठीक है, जब ये काम करेंगे ना, उसकी इनकम आपको आएगी। ठीक है, जब वो काम कर रहे हैं उसकी इनकम आपको आएगी, इसलिए वर्ड था अनलिमिटेड इनकम ऑफ सोर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पर 6 स्लॉट है, यहाँ पर जो स्लॉट फिल होंगे ना, ठीक है, इसकी इनकम आपको आएगी इन तीनों की। अभी आपको बताया इनकम किसको जाएगी, मेरे को, ठीक है, जो आपका स्पॉन्सर है उसको, ठीक है, या किसी को भी, एग्जाम्पल ले रहा था मैं, जैसे मेरे को जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ती है फोर्सेज XXX में। वैसे यहाँ पर है, इन दोनों की इनकम जाएगी आपके अपलाइन को, स्पॉन्सर को। ठीक है, एंड ये जो काम करेंगे उसकी इनकम आपको आएगी, पर जब ये ज्वाइन होंगे ना, उसकी इनकम आपके अपलाइन को, स्पॉन्सर को चल जाएगी। ठीक है, जो ये काम करेंगे उसकी इनकम आपको आएगी ऑब्वियसली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 14 places है। अगर यहाँ पर 14 places, आप सोच सकते हो यहाँ पर काम कितना ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर 2 बार रिसाइकल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कम मैस फिल ओवर्स फ्रॉम अप लाइंस अप टू 2 लाइंस। यहाँ पर 2 लाइन में अगर आप काम नहीं ना करते हो, अगर आपका स्पॉन्सर काम कर रहा है, तो उसकी इनकम आपको यहाँ तक आएगी। ठीक है, एंड अगर आपकी जो टीम आपने क्रिएट किया वो काम कर रही है, उसकी इनकम यहाँ पर आएगी। जब ये फिल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये रिसाइकल होगा, फिर यहाँ तक ये रिसाइकल होकर वापस स्लॉट ओपन कर देंगे, रीओपन, ताकि आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सको। गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे ना, आप अपने स्पॉन्सर को या मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, अब X4 में चलते हैं गाइस, इसमें भी सेम है। ठीक है, पहले दो की इनकम आपके स्पॉन्सर को जाएगी, बाकी जो भी टीम क्रिएट होगी ना, उसकी इनकम आपको आएगी। आप खुद भी अपने डायरेक्ट, अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए, आप ज्यादा जनरेट करना चाहते हो रेवेन्यू, तो आप यहाँ पर अपनी टीम को लगा के, अपने डायरेक्ट को लगा के अनलिमिटेड अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। गाइस, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इसको ज्यादा मतलब ब्रॉड में मत लेना, बेशक आपके लिए नया होगा, पर आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है इसको, अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हो और आपको कोई डाउट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। अब इसके स्लॉट्स कितने रहते हैं? देखो, फोर्सेज X3 में ना 12 स्लॉट है, फोर्सेज X4 में 12 स्लॉट है। अब यहाँ पर एक अपग्रेड का ऑप्शन होता है।
आपको पता, अगर आपको आपकी पर्सनल ह्यूमन का बता दूं, अगर एक ह्यूमन अपग्रेड नहीं ना कर रहा अपने आप को, तो उसी प्लेस में रह जाएगा जहां पर वो है। अगर वो महीने का 10,000 कमा रहा है, वो 10,000 ही कमाएगा अगर वो अपने को अपग्रेड नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर आए हो ना, आप अपने आप को अपग्रेड करने आए हो, ठीक है, अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो ना, आपको चाहिए कि मैं भाई मंथली 50,000 रुपये कमा सकूं, और आप एक्स्ट्रा 30,000 के लिए यहाँ पर आए हो। किसी को 1 लाख, किसी को करोड़, किसी को बहुत कुछ चाहिए होता है, पर जितनी जिसकी नीड है वो उतना ही अर्न करेगा, राइट। ठीक है, यहाँ पर हमारे 12 स्लॉट है, फोर्सेज X3 में, फोर्सेज X4 में 12 स्लॉट है, ठीक है, फोर्सेज XXX में 12 स्लॉट है, फोर्सेज X Gold में 15 स्लॉट है। ठीक है, मैं आपको अपग्रेड बता रहा था, मैं आगे भी आने वाला है वो। तो भाई इसमें हम अपग्रेड क्यों करते हैं? अपग्रेड इसलिए करते हैं, जब ये 3 स्लॉट, ये 3 प्लेसेस फिल हो जाती है ना, तो उसके बाद जब ये रिसाइकल होता है ना, उसके बाद हमें अपग्रेड करना जरूरी होता है। अगर हम अपग्रेड नहीं ना करेंगे, अगर हमारी टीम में से किसी के हमसे ज्यादा स्लॉट ओपन हो गए, तो वो हमारे ना ऊपर आ जाएगा और हम उसके डाउन में चले जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इसको हम अभी साइड पे रखते हैं। अगर आप अपग्रेड नहीं ना करोगे, जो आपकी प्रॉफिट है ना, वो आपके स्पॉन्सर को ले जाएंगे सिंपली, ठीक है, ये चीज है। अब आगे चलते हैं, जो मैं आपको अपग्रेड वाला बता रहा था, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है। हम डायरेक्टली चलते हैं अपना रिसाइकल, आपको पता क्यों करते हैं हम, क्यों, ताकि हमें अनलिमिटेड अर्निंग हो सके, हमारा स्लॉट ओपन हो सके। ये देखो, अब अपग्रेड क्यों करते हैं हम, ठीक है, अपग्रेड क्यों करते हैं हम, देखो यहाँ पर अगर एक स्लॉट पूरा रिसाइकल हो जाता है, अगर हम अपग्रेड नहीं ना करते, यहाँ पर वार्निंग का साइन आ जाएगा, ठीक है। मिस प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था, अपना प्रॉफिट मिस करोगे, जो पेमेंट है ना, वो सेंड टू आपके स्पॉन्सर को चले जाएगी अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या हो सकता है, देखो अगर आपका स्पॉन्सर जो है उससे ज्यादा आपके स्लॉट अपग्रेड है, ठीक है, सपोज करो आपके स्पॉन्सर के 2 स्लॉट अपग्रेड है और आपके 3 है, तो आप अपने स्पॉन्सर के स्पॉन्सर बन जाओगे, आप अपने स्पॉन्सर के स्पॉन्सर बन जाओगे, स्पॉन्सर आपका जितना काम करेगा ना, आपको उतनी अर्निंग आएगी। ये बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं भाई, इंटरेस्टिंग थिंग है, और ये पूरी दुनिया में ना ये कंसेप्ट कहीं नहीं आया, मतलब पूरी दुनिया में आ चुका है, पर पूरी दुनिया में इसके अलावा कहीं भी कंसेप्ट ही है ही नहीं, ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, जो आपको सही ये आ गया, ओवरफ्लोज ओवरटेकिंग रिटर्न्स, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका स्पॉन्सर रहेगा, ठीक है, आप स्पॉन्सर के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हो, और अपनी टीम क्रिएट करके कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज देखो, जैसे आप काम नहीं करते, आपका स्पॉन्सर काम कर रहा है, तो उसका जो पर्सनली इन्वाइटेड पार्टनर है ना, वो आपके डाउन में आ सकता है ऐसे इस कलर में। वैसे ही आपका जो डाउनलाइन अगर काम कर रहा है, आपकी टीम काम कर रही है, तो उसका ही पार्टनर आपके यहाँ पर स्लॉट में आ सकता है, ठीक है, जैसे ये बने हुए हैं कलर, ठीक है, ये पर्सनल पार्टनर का ये कलर होता है, और पार्टनर हु ओवरटुक ही सुपीरियर। ये जो मैंने चीज बताई ना, ये है बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर को ओवरटुक कर लोगे, पर मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो टीम क्रिएट हो रही है ना, उसको अपने हिसाब से चलाओ, आपने जितने स्लॉट अपग्रेड किए ना, उसके भी उतने ही स्लॉट अपग्रेड करो, ठीक है, वो बात की कंसेप्ट है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। पर मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं आपको भी एक और चीज बताऊंगा इसका प्रॉफिट एंड में, थोड़ा भी सबर करते हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, सारी चीजें एक ही बार बता देंगे तो भाई ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, लास्ट में मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन इतनी है ना कि लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इतनी रजिस्ट्रेशन है इसकी, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन कितनी है गाइज, इसकी रजिस्ट्रेशन ओनली 10 BUSD है, पर इसकी टोटल जो स्टार्टिंग BUSD है वो है $28। मगर जो मैंने आपको एक्स गोल्ड बताया था ना, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसकी जो अकेले ही की 10 BUSD है, एंड अभी XXX लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको 10 BUSD से अपग्रेड करना है, 18 BUSD से अपग्रेड करना है, ठीक है। देखो अगर आपको स्टार्टिंग में हायर प्रॉफिट चाहिए ना, तो आप 18 BUSD से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्टार्ट करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, तो आप 10 BUSD से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी रजिस्ट्रेशन, अराउंड अराउंड 770 या 780 रुपीज की, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेन चीज की तरफ, प्रॉफिट। हर एक पर्सन को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हर एक पर्सन को प्रॉफिट चाहिए। इसको अभी लेव कर दो, आपको टोटल प्रॉफिट की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। देखो गाइस, अगर आप इस सिस्टम में आए हो, एंड मुझे पता आप करोगे भी, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, अपने ड्रीम्स को अचीव करना, आप करोगे भी। मेनली एक बात याद रखना कि आपको अगर इस सिस्टम में आए हो, आपको इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है, शॉर्ट टर्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म लेके जाओगे ना, ये जो प्रॉफिट बताया ना मैंने आपको, इसको 75 से मल्टीप्लाई अभी करना, वीडियो को स्टॉप करके करना, 75 से मल्टीप्लाई,
एंड अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेंगे तो अपनी अर्निंग ना खुद ही कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने बता दिया आपको 488652 इंटू 75 अप्रोक्स, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कितना आ जाएगा, अराउंड 4 करोड़ रुपीज एंड इन वन ईयर बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? एक्शन लेके। कैसे पॉसिबल है? स्किल सीख के। देखो गाइज, अगर मैं आज आपके सामने ना 1 करोड़ रुपया रख दूं फ्री में, मैं बोल रहा हूँ भैया फ्री में ले जा, तेरे पास ये बैग है तू उठा के ले जा, ठीक है, आप में से ना गारंटेड श्योरिटी या हर एक पर्सन उस बैग को लेके जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। वैसे आज ही आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने आज ये ग्रैब कर ली, जो आपका 1 ईयर या 6 मंथ के बाद जो रिजल्ट होगा ना, उसके बाद आप मेरे को या अपने स्पॉन्सर को थैंक यू करने आओगे कि सर आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी, उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्पॉन्सर के पास जाओ, जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया, मैंने किया है या आपकी किसी स्पॉन्सर ने किया, ठीक है, किसी पर्सन ने किया है, उनके पास जाओ, अगर आपको कोई डाउट्स उनसे क्लियर करो, अगर उनसे नहीं हो रहा तो मेरे से क्लियर करो, ठीक है। उनको बोलो कि भाई मेरे को बताओ ये अपॉर्चुनिटी, मेरे को ज्वाइन करना आज के आज ही, ठीक है, मेरे को आज के आज ही ज्वाइन करना है, और मेरे को बताओ कि कैसे ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आपके लिए 3 ऑफर्स हैं, 3 ऑफर किए गाइस कि आपको मेरी तरफ से, अगर आप आज या कल में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपको मेरी तरफ से पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, मेंटरशिप, ठीक है, जिसमें आप ये सीख सकते हो कि आप 2 महीने के अंदर अंदर हर मंथ $1,000 इनकम हर मंथ कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है, पहली थिंग ये। सेकंड थिंग, आपको ऐसे स्किल सीखने को मिलेंगे ना कि आप 1-2 महीने के अंदर इस मार्केट इंडस्ट्री में ना, जो इंडस्ट्री है ये होगी, एफिलिएट मार्केटिंग होगी, नेटवर्क मार्केटिंग होगी, उसमें कैसे ग्रो कर सकते हो प्रो लेवल में, आपको वो स्किल सीखने को मिलेंगे, और ये लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है, आज या कल में अगर आप ज्वाइन करते हो, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, आपको तो इंडियन क्लब के प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, इंडियन क्लब के प्रीमियम ग्रुप में आपको ऐड ऑन किया जाएगा फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। गाइस देखो, मिलियनरी वही बनता है, बिलियनरी वही बनता है जिसको पता है अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैप करनी है, अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज करना है, ठीक है। और मुझे पता है आपका भी सेम माइंड सेट है, ठीक है, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। देखो, अगर आप आज एक्शन नहीं ना लोगे तो आप 2 महीने भी बाद भी वहीं होंगे या किसी और के वेबिनार अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, पर अगर आपने आज ये कर ली, ठीक है, और स्किल सीख लिए, तो गारंटी श्योरिटी आप जरूर रॉक कर जाओगे, ठीक है गाइस, आप जरूर रॉक कर जाओगे। और आपको भी करना क्या है, इस मीटिंग के बाद अपने स्पॉन्सर के पास जाओ, डाउट्स क्लियर करो, उनको बोलो भाई हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं बताओ, ठीक है गाइस। तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ, गुड बाय, टेक केयर।